हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज शाम के जो नाश्ता है उसके अंदर जो इवनिंग चाय है उसके साथ में बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ पास्ता आटा नूडल्स वाले की, इसकी मैगी बताना बता रही हूँ। और इसके लिए मेरे पास ये पास्ता है, इसको ले लिया है, ये पॉलिथीन में आया है। मैं इसको आपको कप के हिसाब से अंदाज बता देती हूँ। और इसमें ये डाल दिए, एक बाउल के करीब हमने ये पास्ता ले लिया है इसमें, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या ले रहे हैं, ओनियन ले रहे हैं और हरी मिर्ची ले रहे हैं। टमाटर भी आप डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो इसकी जगह हम ये टोमेटो सॉस ले रहे हैं। तो अब इसके सबसे पहले हम इसको प्याज और टमाटर के छिलके हटा के इसको काटना चालू कर देंगे। अब ये देखिए, मैंने इंडक्शन का ये भगोना ले लिया है, इंडक्शन पे रखा है, और इस पे मैंने पानी डाल दिया। मुझे पास्ता के हिसाब से लेना है, और मैंने इंडक्शन अपना ऑन कर दिया है। और इसको ऑन करके मैंने टेम्परेचर अपना 1000 के करीब, जैसे आपको हर बार देखते हैं वीडियो में, इतना रख देना है मैक्सिमम, जिससे कि हमारा ये बॉल गर्म हो जाए। फिर पानी गर्म होने के बाद इसके अंदर हम इसमें पास्ता बनने के लिए डाल देंगे। और फिर इसको लकड़ी की जो बॉल है उससे हम इसको फैला देंगे। तो जब तक ये बॉईल हो रहा है, मैं जब तक ओनियन काट के रख लेती हूँ, इसका तैयारी कर लेती हूँ, फिर इसके आगे की बाकी प्रोसेस बताती हूँ। जब तक कि आप मेरा चैनल प्रीति गैलरी और प्रीति किचन को सब्सक्राइब कीजिए। ये गैस ऑन कर दी है, और मैंने भगोनी जो है कढ़ाई रख दी है, इसको मैं सूखने दूंगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसमें गीली है, इसका पानी हटा दूंगी ताकि सूख जाए इसे। अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा ऑयल डालना है, इतना मतलब 4 चम्मच के करीब मान लीजिए ये डालना है। इसको गरम करना है, इतनी ये गरम होगा और अपना मसाला अपने यहाँ पे रेडी कर लेंगे। इसमें मसाले में मैंने आपको पहले बता दिया था, प्याज और मिर्ची है, और आप पे टमाटर डालना चाहे तो वो भी उसको काट के रख लीजिए। अभी मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं करे हैं, ये थोड़ा है। अब इसके अंदर इसमें मुझे डालना है राई नहीं है तो आप सरसों का दाना भी डाल सकते हैं, नहीं तो 2 चम्मच के मतलब 1 एंड इससे छोटी चम्मच आपको ये राई डालनी है, राई चटक जाए आपकी तो। और इसमें 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं इसमें हल्दी डालूंगी। अब इसमें क्या थोड़ा पानी है, इसलिए चटक रहा है, ये पूरी कढ़ाई सूखी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए जल्दी डाल दिया। लेकिन सूखने के बाद आप ऑयल डालें जिससे कि तेल चटके नहीं। अब मुझे इसमें प्याज फ्राई करनी है, और थोड़ी सी हरी मिर्च, इतनी हरी मिर्च और प्याज मैंने अपने पास्ता के लिए रख लिया, ये देखिए। और इसके अंदर मेरा इतनी मैंने रख ली है, मुझे प्याज और पास्ता भी फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने अभी इस तरह से ये आप करिए, गैस तेज करिए और सिम होने तक इसको फ्राई करते रहिए। इसका हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, और इसमें हमें डालना है 1 चम्मच के करीब, इसमें ये 1 से 1.5 चम्मच, जैसा भी आप नमक कम ज्यादा खाते हो उस हिसाब से मैगी में डाल दीजिए, और फिर इसको मिला दीजिए, और हल्की सी इसमें तीखी लाल मिर्च डाल दीजिए। ज्यादा नहीं, बच्चे खा रहे हैं तो इसलिए मिर्ची हम ज्यादा नहीं डाल रहे हैं, कम मिर्ची डाल रहे हैं। और यदि बड़े लोगों के लिए बनानी है तो थोड़ा चटपटा भी बना सकते हैं। ये जब तक हो रही है, अब मैं इसमें मेरे पे टमाटर ऐड नहीं है तो इसलिए मैं सॉस का भी यूज कर सकती हूँ। आप इसमें टोमेटो सॉस से इसको करिए, और इसको हम इसका जो रैपर है कट कर देंगे, और इसके अंदर ही हम मिक्स कर देंगे। जैसे कि आप चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर डाल देते हैं, इसी तरह मैं मैगी के अंदर भी सॉस डाल दी, इससे इसका टेस्ट इसमें टोमेटो का आएगा, मीठा पीछा फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये मेरा मसाला पूरा रेडी, मेरी प्याज भी भुन गई है। अब इसके बाद ये मेरे पास मैगी है, मैं सेम आँच पे कर दूंगी, और इसको मैं ऐसे डाल दूंगी, ये देखिए। पानी डालना है, तो पानी इतना डालना है जिससे कि ये मैगी डूब जाए,
इतना। अब इसके साथ में आपके पास मैगी मसाला है तो आप ऊपर से इसमें मैगी मसाला डाल दीजिए, और नहीं आप इसमें डालना चाहे तो सिंपल भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैं मैगी मसाला है मैं इसको डाल दूंगी, ये थोड़ा सा डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा मैं इसके लिए अपने पास्ता के लिए भी रख लिया मैंने। अब इसको फिर से मैं इसको हिला दूंगी और हिला के इसको ढक देना है सिम आंच पे, जिससे कि हमारी ये जो मैगी होगी वो गल जाएगी। आफ्टर 10 मिनट बाद आप इसको ढक दूंगी, इसमें सिम कर दूंगी थोड़ी गैस, और फिर मैं 10 मिनट बाद आपको खोल के दिखाऊंगी हमारी मैगी रेडी ऑफ कर रही हूँ। अब मुझे इसको क्या है पानी इसका निकालना है, तो हम एक इसमें स्टील की उसमें लेंगे, मैं आपको छानना बता रही हूँ किस तरह एक स्टेनर है जिससे जिससे हम चावल अपने बनाते हैं उस स्टेनर से हम इसको छान लेंगे, क्योंकि हमारे पास्ता ऊपर रहने चाहिए और पानी अलग होना चाहिए तभी हम ऊपर रख सकते हैं। अब ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल आपके बिखरे बिखरे एकदम बने, इसमें गले नहीं है, नहीं तो बिखर जाते हैं तो उससे टूट जाता है, उससे इसका बह जाता है। ये गर्म पानी इसका हम अलग रख देंगे। अब मैं इसको रेडी करके अब इसको फ्राई करना बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये मेरे भूल गए हैं, इसको आप चाहे तो एक बार आप चेक भी कर लीजिए कि आपके गले हैं कि नहीं गए। इस तरह से ये लेके ऐसे गल के देख लीजिए कि बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और ये इसको फ्राई करने पे हो जाएगा, नहीं तो ये कितना टाइट था मैंने आपको दिखाया था जब हम मार्केट से लाते हैं, तो मार्केट से उसके बाद यदि हम डायरेक्ट बनाएंगे फ्राई करेंगे तो हमारा वो गलेगा नहीं, बहुत घंटे लग जाएंगे। इस तरह से करने से हमारे 10 मिनट में पास्ता बनते हैं। अब मैंने इसके लिए क्या करा है, इंडक्शन की कढ़ाई ले ली है और मैं इसको रख रही हूँ, इतना ऑन कर रही हूँ टेम्परेचर में, फिर वही 800 करीब रख रही हूँ, मिनिमम कर रही हूँ, मैं तो 400 कर दिए, सॉरी 400 कर दिए। इस पर मेरे ये कढ़ाई गर्म हो रही है। अब इसके बाद मैं वापस से फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, आप अपना ऑयल अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज्यादा, कम खाते हैं तो कम ज्यादा। मैं इसमें करीब तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब इसके बाद इसके अंदर जैसे मैंने उसमें आपको मैगी में बताया था इसी तरह मैं पास्ता में भी ये 2 चम्मच के करीब मैं इसमें राई डालूंगी, तो और राई चटकने दूंगी, फिर इसके बाद मैं और मसाले ऐड करना आपको बताती हूँ। अब टेम्परेचर मैं तेज कर लूंगी, 800 करीब कर दूंगी, पहले की तरह ये राई हमारी चटकेगी। अब हम इंडक्शन पर बना रहे हैं, पहले मैंने जो मैगी गैस पे बताई थी उससे पिछली वीडियो में मैंने इंडक्शन पर बनाना बताया था आपको, और ये मैगी एक वीडियो में मैंने आपको ओवन में बताना भी बताया है, जिससे कि कभी आप उसमें भी मेरी चटक चुकी है तो मैं इसका कम कर दूंगी, और इसके बाद फिर मैं 1 चम्मच के करीब इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें हल्दी डाल दूंगी। हल्दी डालने के बाद मुझे इसके अंदर ये प्याज और ये हरी मिर्च फ्राई करने हैं, जिसको हल्का सा जैसे इसमें फ्राई करा था मैगी में ऐसे इसके अंदर इंडक्शन पर हम प्याज और हरी मिर्च भी फ्राई करेंगे। टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, 400 करीब कर दीजिए, तो मसाला हमारा भुन के तैयार हो रहा है। आपको लग रहा है तो हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लीजिए जिससे कि मसाला जले नहीं। और इसी के अंदर मैगी मिलाना है 1-2 चम्मच के करीब ये काला सफेद नमक और हल्की सी मुझे लाल मिर्च डालनी है। आप तेज कर सकते हैं, मेरा फ्राई हो रहा है। इसके बाद अब मेरे जो पास्ता ये देखते हैं आपने उबले में है, इसको मैं कढ़ाई में मिक्स करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, कितना अच्छा इनका कलर भी आ रहा है और देखने में भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, और इसका बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, आजकल तो बच्चों को
मैं खिला दूँ उनको रोटी सब्जी की जगह मैगी पास्ता, तो वो उसके अंदर बड़े खुश हो जाते हैं उनका। तो ये मैंने अब इसमें थोड़ा सा मैंने ये मैगी पास्ता मसाला है ये डाल दिया है, इसमें ये पास्ता मसाला डाला है और मैं थोड़ा सा मेरा मैगी मसाला भी बचा था वो भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसमें मटर भी मिक्स है तो हल्के से मटर है, अब मटर या और कोई सब्जियाँ भी डालना चाहे तो उसका भी बना सकते हैं, उसका भी ये मिक्स पास्ता। लेकिन मैंने अभी सिर्फ प्याज और इसका बनाया और इसमें फिर हम इसी तरह सॉस वॉस ऐड करना चाहें, अभी इसमें मैंने सॉस ऐड करी नहीं है। आप ऊपर से डालना चाहें चीज और इसके अंदर मक्खन वगैरह तो वो डाल सकते हैं बताए। तो बस ये देखिए अब मेरा रेडी हो गया और इसको मैं 5 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी तो मेरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और मैं टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दूँगी। ये देखिए अब मेरी मैगी रेडी हो गई है बिल्कुल इसके अंदर, अब मैं इसको सर्व करूंगी। मैगी और पास्ता रेडी हो गए हैं, ये देखिए कितना गर्म गर्म खिला खिला पास्ता बना है और इधर हमारी ये मैगी भी रेडी हो गई है। तो बच्चों के लिए शाम का नाश्ता तैयार है और हाँ इसके संग हम टी या दूध जो भी आप पीते हैं वो अपना रेडी कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे चैनल को पसंद करते रहिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।